हेलो मित्रों, आर्यन सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। मैं राजाराम सत्यार्थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में पंचायती राज पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये पंचायती राज का आज छठवां वीडियो होगा। मैं आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से समझा समझा करके पंचायती राज को धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। देखिए, पंचायती राज का आज कार्यकाल देखना है हम लोगों को, तो आइए देखते हैं पंचायती राज के कार्यकाल के बारे में। ये पंचायती राज का कार्यकाल एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज कार्यकाल का जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 243 ई में किया गया है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि पंचायती राज का कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो संविधान का अनुच्छेद 243 ई में है। अब ये देखिएगा कि पंचायती राज का कार्यकाल, अर्थात जब कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है, एक बात मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इन लोग को जाना जाता है। कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं मुखिया कहा जाता है, ऐसे अदर राज्यों में और नामों से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रधान बन जाता है तो कितने समय तक अपने पद पर बना रहेगा, ये चीज़ आज हमको जानना है। तो याद रखिएगा कि प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक वह व्यक्ति अपने पद पर बना रहता है। तो अर्थात बात तो स्पष्ट हो गया कि पंचायती राज में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। क्या चीज़ मैंने बोला है कि पंचायती राज में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, सदस्यों का कार्यकाल अधिवेशन की तिथि से, प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है। याद रखेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब ये देखिए, प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का होता है, और जब 5 वर्ष हो जाएगा तो ये तय किया गया है कि 5 वर्ष होने से 6 महीने पहले चुनाव करा लेना चाहिए, ये उसका रहा कार्यकाल। लेकिन एक बात और गेस करिएगा कि अगर 5 वर्ष से पहले वह व्यक्ति चाहेगा तो त्याग पत्र अपने पद से दे सकता है। या कभी कभार होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, प्रधान पद के जो उम्मीदवार जो व्यक्ति होते हैं या मुखिया जो लोग होते हैं, कि कार्यकाल के दौरान उनका डेथ हो जाता है या उनसे उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटा दिया जाता है। तो याद रखेंगे, उनके जगह पर जो प्रत्याशी निर्वाचित होकर के आता है तो जितने समय का कार्यकाल बचा रहता है उतने समय के लिए ही वह व्यक्ति आता है। मान लीजिए कोई प्रधान पद के प्रत्याशी हैं या ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं जो वर्तमान समय में उस पद पर आसीन हैं, या जिला पंचायत की जो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उस पद पर आसीन होते हैं, और उन वे 2.5 साल या 2 साल कार्यकाल सही तरीके से या किसी भी तरीके से किए हैं, तब तक उनका मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिए, तो जितना समय बचा, मान लीजिए 2 साल किए, 3 साल समय बचा, तो 3 साल के लिए ही चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अगर
चुनाव होने में 6 महीने बाकी हैं, तब तक किसी प्रत्याशी का डेथ हो जाता है या वो त्याग पत्र दे देते हैं, 6 महीना ही बाकी है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है, याद रखेंगे। और एक और बात याद रखिएगा, किसी भी प्रत्याशी जो वर्तमान समय में आसीन होता है तो 2 साल से पहले उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। 2 साल तक वह व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा और 2 साल के बाद उस पर जांच बैठाई जा सकती है या उसे कोई ब्यौरा मांगा जा सकता है, क्योंकि विकास करने के लिए 2 साल चाहिए होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ प्रधान पद के प्रत्याशी व्यक्ति हों, उम्मीदवार हों जो जीते हुए हों, या प्रमुख हों या जिलाध्यक्ष हों, तो उनके लिए जो होता है सबके लिए 2 वर्ष होता है कि 2 वर्ष से पहले किसी पर जांच नहीं बैठ सकती है, ना किसी से कुछ मांगा जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये रहा कार्यकाल। अब हमको ये बताना है कि ये जो चुनाव होता है, चुनाव में, चुनाव के अंतर्गत इनका जो वित्तीय आपात होता है, या वित्तीय पोषण, अर्थात यहाँ पे इनके खाते में पैसे कैसे आता है, क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। अर्थात इनके लिए एक वित्त आयोग होता है। क्या होता है? वित्त आयोग होता है। तो आइए ज़रा उसके बारे में देखते हैं कि राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखेंगे, राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग जो आपका संविधान की अनुच्छेद 243 आई के तहत होता है, याद रखेंगे। पंचायती राज में अर्थात स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज के लिए और नगर पालिकाओं के लिए वित्तीय पोषण के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और उस वित्त आयोग का गठन जब कर दिया जाता है, तो गठन करने के जो कार्य करते हैं उस राज्य का राज्यपाल करते हैं, याद रखिएगा। मैंने क्या बताया कि राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है। और मैंने बताया है कि ये वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये वित्त आयोग करता क्या है, तो याद रखेंगे कि यह वित्त आयोग राज्य द्वारा, याद रखें क्या चीज़, राज्य द्वारा जो कर शुल्क पथकरों और फीसों के बीच को लेकर के राज्य और पंचायतों के बीच में वितरण का कार्य करता है। क्या करता है जरा देखेंगे, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य ये है कि कर शुल्क पथकर या पथकरों भी लिख देंगे, पथकरों और फीसों को राज्य तथा पंचायतों के बीच के बंटवारे या बंटवारा का काम करना, ये वित्त आयोग का कार्य होता है। ये भी याद रखेंगे कि जो राज्य हो, जो वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग ये आपका राज्य संचित निधि से, राज्य से व पंचायती राज को अनुदान दिलवाता है, कंट्रीब्यूट करवाता है। और भी मामलों में राज्य वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश करता है। ये है आपका राज्य वित्त आयोग का ये कार्य है। अब देखिएगा, ये राज्य वित्त आयोग का कार्य है,
अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, उसका रोल क्या होता है, या देखेंगे ही। लेकिन मैं भी बता रहा हूँ इसको, आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। लेकिन देखिए मैं इसको बताया हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया आप लोगों को, अब हमको देखना है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है, कैसे वो कार्य करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हमको देख लेने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है संविधान का अनुच्छेद 243 के में किया गया है, इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान का अनुच्छेद 243 के तहत किया जाता है, और राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य प्रकार के निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो करते हैं उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है ये राज्यपाल पर निर्भर करता है। एक बात और याद रखेंगे आप लोग कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और नगर पालिकाओं का चुनाव का अधीक्षण करता है, निगरानी करता है, उसका समीक्षा करता है, नियंत्रण करता है, उसका संचालन करता है। और एक बात और याद रखिएगा, मैंने क्या बोला, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करता है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनावों का संचालन करता है, अधीक्षण करता है, नियंत्रण करता है, और राज्य निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य निर्वाचन आयोग होता है निर्वाचक नामावली तैयार करता है, अर्थात जो वोटर लिस्ट होता है ना, ये वोटर लिस्ट तैयार कराने का जो कार्य करता है राज्य निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज पर विधि बनाने का जो कार्य करती है संस्था, वो संस्था आपकी विधानमंडल है। राज्य की विधानमंडल पंचायती राज पर नियम कानून बनाती है, और राज्य के अंतर्गत जो राज्य सरकार है पंचायती राज से संबंधित निर्णय ये राज्य सरकार लेती है, चुनाव कब कराने हैं नहीं कराने हैं ये निर्णय जो होता है राज्य की सरकार लेती है। जिस राज्य की सरकार है, जिस राज्य में पंचायती राज को चुनाव कराने हैं उस राज्य की सरकार लेती है। देखिए ये रहा आपका वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग और इनका कार्यकाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शॉर्ट किया जाए ताकि आपका भी मन लगे और आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।